नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है सलूशन। दोस्तों, आजकल जहाँ पर देखो वहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम के अनेकों सलूशंस भी तो हैं। लेकिन कौन सा सलूशन आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सभी के लिए हमारा ये शो सलूशन। दर्शकों, हमारे शो में दी एक्सीडिंगली पॉपुलर निर्मला सेवानी जी करेंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार। दर्शकों, व्यक्ति अपना जीवन सुख और शांति से बिताने के लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार रहता है। वास्तु शास्त्र भी एक ऐसे ही चमत्कार का नाम है जिसे अपनाने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में तत्काल परिवर्तन देखता है। आर्किटेक्ट्स वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार नक्शा बनाने का दावा कर रहे हैं। आज हर किताब अपनी बात कहती है और हर पुस्तक में एक ही विषय को लेकर के कई तरह के फैक्ट्स अलग अलग ढंग से दिखाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? एक आम व्यक्ति के लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है कि आखिर वास्तु शास्त्र है क्या। तो आज और कल हम जानेंगे कि कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तु शास्त्र हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। दर्शकों, आपके मन में भी वास्तु शास्त्र को लेकर के कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन्स पर आप सभी के लिए फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई उलझन है, कोई प्रॉब्लम है, तो सलूशन देने के लिए निर्मला सेवानी जी हमारे साथ मौजूद है। निर्मला जी, जैसा कि हमेशा से होता है, कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन वास्तु शास्त्र की हम बात करें, वास्तु स्थिति क्या है, वास्तु शास्त्र क्या है? वास्तु माने जो इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, है ना? क्या विद्यमान है? पांच तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, जो कि शब्द है, और एनर्जी, ऊर्जा, जो कि चलायमान है। तो जिस चीज की स्थिति विद्यमान है वो वस्तु स्थिति है। तो पांच तत्वों से हमारा शरीर बना और एनर्जी से, ऐसे ही पांच तत्व से ये कायनात सृष्टि और एनर्जी से सृष्टि बनी, तो ये उसको वस्तु स्थिति कहते हैं। तो आपके शरीर से आपका जो एनवायरनमेंट है वो कितना मैच करता है, उसका अध्ययन या उसको जानना वस्तु स्थिति कहलाती है, जो एक बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, ताकि आप उस जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, है ना, वो वस्तु स्थिति आपके शरीर के कंपोनेंट से मैच करती हो, उसको वास्तु कहेंगे। उस चीज की स्थिति का अध्ययन वास्तु है कि उसमें हवा, रोशनी, पानी, अग्नि और पृथ्वी, ग्रीनरी बराबर मात्रा में हो, ताकि आप तन मन धन दिमाग आत्मा से पूर्णतः स्वस्थ जीवन जी सके। जैसे हम किसी भी विद्या के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्स के या एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जाहिर सी बात है मैम कि बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। तो किस तरह से वास्तु शास्त्र काम करता है और कितना इफेक्टिव ये रहता है आज के समय में खासतौर? देखिए, जो सबसे बड़ी एक मिथक फैला हुआ है ना कि वस्तु स्थिति के बारे में, अक्सर वास्तुशास्त्रियों ने क्या फैला रखा है कि नॉर्थ एंट्रेंस शुभ है, ईस्ट एंट्रेंस शुभ है, वेस्ट एंट्रेंस बिल्कुल अशुभ है, साउथ एंट्रेंस। तो हम कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होता, है ना। पृथ्वी पे जितना भी चीज़ विद्यमान है वो प्रोपोर्शन और कॉम्बिनेशन से एक दूसरे को सूट करती है। तो वास्तु जो है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रल कॉम्बिनेशन काम करती है ना। जैसे उदाहरणार्थ अगर कोई व्यक्ति या शख्सियत है ना, उसके हॉरोस्कोप से पता चलेगा कि वो वाटरी साइन है, उसका असेंडेंट वाटरी है, तो उसको जो है नॉर्थ नहीं सूट करेगा, क्योंकि उसके शरीर के जो वस्तु, उस वस्तु स्थिति का मालिक होगा, उसके शरीर में वाटर की प्रोपोर्शन ज़्यादा होने से उसको कफ कोल्ड रहेगा, तो बल्कि उसको साउथ एंट्रेंस सूट करेगा जो कि गर्म होता है। तो कुछ भी, पहली बात तो दिशाएं व्यर्थ नहीं है, जो आठ दिशाएं सबको दो दो दिशाएं सूट करती हैं, है ना। जो जॉडिक हमारे होते हैं ना, एरी, अर्थी, वाटरी, फायरी, उनमें से दो दो दिशाएं सबको सूट करती हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वास्तु स्थिति काम करती है, तो जो एक वास्तु शास्त्री है, जिसको शास्त्री कहते हैं, आर्किटेक्ट की बात अलग है, वो तो उसके साथ एसोसिएट होकर काम करना ही चाहिए उसको, वो ज्योतिष का ज्ञाता भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह थे, वो ज्योतिष मर्मज्ञ भी थे और वस्तु स्थिति भी जानते थे। तो जो जयपुर है पूरा वस्तु स्थिति से बना हुआ है, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है कि चौपड़े एक साथ कटेंगी, सड़कें कई गली में आप खो नहीं सकते जयपुर में, क्योंकि उसकी वास्तु स्थिति ऐसी है कि आप परकोटे के भीतर आ जाएंगे, हर गली एक दूसरे से कटती है।
जी, जैसे ये तो पूरे शहर का वो वस्तु स्थिति है मैम, लेकिन अगर जैसे हम घर के बारे में बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि जो मालिक होता है उसके हिसाब से, उसकी वाटर साइन या जो भी उसका सनशाइन उस हिसाब से वो होना चाहिए, जरूरी है कि उनको जो सूट करे वो घर में रहने वाले हर सबको भी वो सूट करे? हाँ, क्योंकि देखिए कई बार क्योंकि सिमेट्रिकल हॉरोस्कोप होती है, ये तो आप जब उस विधा में जाएंगे तब आपने एनालिटिक स्टडी किया होगा तो पता चलेगा, तो एक असेंडेंट के ही लोग होते हैं अक्सर कर एक सी हॉरोस्कोप रखते होते हैं तो सूट करता है, और आजकल तो बच्चे ही दो दो होते हैं। जी निर्मला मैम, आगे बढ़ने से पहले कॉलर लेंगे हम जयपुर से, हमारे साथ संजीव जी जुड़ चुके हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच मैम, मैं ये जानना चाह रहा था। हेलो। हाँ जी संजीव। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम, ये जानना चाह रहा था कि मैं एक नया घर बना रहा हूँ, अभी मैं रेंट पर रहता हूँ, तो उसके लिए मुझे वास्तु का क्या क्या ध्यान रखना होगा, किस दिशा में होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए? पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैम 22 अगस्त 1986। ठीक, जो मोटा मोटी ध्यान रखना है वो ये रखना है कि घर में रोशनी बहुत आती हो, खिड़कियाँ और दरवाजे एक दूसरे को क्रॉस करते हों, उससे क्या होगा कि दो तत्व आपके एकदम ठीक रहेंगे, एयर भी और आकाश भी, शब्द तत्व भी, है ना, और उसमें पानी का पूरा प्रबंध होना चाहिए, और अग्नि आपकी ईशान कोण में होनी चाहिए कि साउथ ईस्ट में आपकी रसोई होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखिए, और आपका जो कमरा है वो नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए जो घर का मालिक है, बस बाकी ठीक है। और आगे थोड़े पौधे थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए, और अगर नहीं ऐसा ले पाते प्लॉट तो उसमें गमले रखिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व का होना बहुत जरूरी है, है ना, किसी भी घर में पौधे होंगे तो पेड़ पत्ते हिलेंगे तो उत्तरी पूर्वी हवाएं आपकी तरफ चलेंगी और आप खुश होंगे, और नॉर्थ को आप नीचा रखिए घर में, घर का एंट्रेंस भले कहीं से भी हो लेकिन नॉर्थ नीचा होना चाहिए जी, और वहाँ थोड़ी ग्रीनरी होनी चाहिए जी। निर्मला जी, एक और कॉलर लेंगे यहाँ पे, अजमेर से हमारी दर्शक नर्मदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सवाल पूछेंगे। नर्मदा जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा जो घर है उसमें ईस्ट का जो कोना है पूरब और उत्तर की तरफ का जो कोना है उसमें मेरे बाथरूम और सीढ़ियां हैं, तो मैंने बना बनाया मकान खरीदा था, लेकिन उसके कारण मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, हमेशा ही बीमारी रहती है बच्चों में, बच्चों के पास पैसा नहीं बचता है, बहुत परेशानी रहती है, आर्थिक रूप से भी हम लोग काफी कमजोर हैं, तो उसमें उसका क्या उपाय करूं मैं कि वो ठीक हो जाए? वैसे नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे जो स्वस्थ हवा चलती है वो उत्तरी पूर्वी पूरे देश में चलती है, तो नॉर्थ ईस्ट वैसे भी ईशान कोण जो है देवस्थान होता है, तो बाथरूम तो सीढ़ी तो ठीक है लेकिन बाथरूम नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। अब अगर जो है तो आप उसको कंपनसेट कर सकती हैं सेहत ठीक रखने के लिए अपने घर में कड़ी पत्ता लगा करके, उससे सेहत ठीक रहेगी, और भाग्य वृद्धि के लिए आप धनदाई सीताफल अमरूद ऐसे पौधे लगा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कच्चा नहीं है तो उनके बोनसाइज लगा दीजिए, बोनसाई लगा दीजिए, उससे वो ठीक हो जाएगा। और वास्तु स्थिति की वजह से हम आर्थिक गरीब हैं ऐसा नहीं होता, वास्तु आपके जीवन में 15% या 20% इधर उधर फर्क रखता है, आपके अपने कर्मों के हिसाब से जो आपके सितारे बने जो पत्री बनी उसके हिसाब से आप जीवन जीते हैं, तो वास्तु पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना ठीक नहीं है। तो जैसा कि हमारे कॉलर कह रहे हैं कि उनके भाग्य में परिवर्तन हो गया है वास्तु स्थिति को लेकर के लिए, क्या हमारे भाग्य को प्रभावित करता है ये? प्रभावित तो करता है, देखिए कोई भी ज्ञान जो होता है जी। वो हमारे जीवन को जरूर से इस्तेमाल जब हम उसको करते हैं तो अपलिफ्टमेंट देता है, लेकिन उसकी सही नॉलेज होनी चाहिए और उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। पहली बात तो ये कि वास्तु आपके जीवन में कितना मायने रखता है, है ना, और इस समय में जबकि पूरी पृथ्वी की वास्तु आप खुद बिगाड़ के बैठ गए हैं, तो ये तो समझने की बात है ना कि आपने पूरी पृथ्वी जिस पे आप रह रहे हैं उसमें से तो पेड़ पौधे काट दिए, बड़े बड़े कंक्रीट के आपने जंगल खड़े कर दिए, और आप अपने घर की वास्तु के लिए तकलीफ पा रहे हैं, तो घर भी तो उस पृथ्वी पर स्थित है, पहले उसकी तो वास्तु सुधारो। और 5000 बरस पुरानी विधा वर्तमान संदर्भ में कितनी समसामयिक होगी इसको भी सोचने की जरूरत है, ये तो बहुत बड़ा विषय है डिस्कशन का और समझ का कि किस तरीके से हम चले। जैसे मान लीजिए किसी इंसान के पत्री में जो ग्रह दशा चल रही है वो ही नेगेटिव चल रही है और वो बहुत अच्छे वास्तु में रह रहा है तो भी वो नुकसान खाएगा, अपने अपने जो कर्म करके आए उसके हिसाब से उसका भाग्य बना उसके हिसाब से तो जिएगा ना, अच्छी ठीक वास्तु होगी तो उसमें 15% या 20% इधर या उधर फर्क रखेगी, तो बहुत ज़्यादा वास्तु पर डिपेंडेंट हो जाना ठीक नहीं है। आपका जो व्यक्तित्व होता है वो
50% एस्ट्रल कॉम्बिनेशन, 25% जेनेटिक्स और 25% इन्वायरमेंट होता है. इन्वायरमेंट में भी 15% ही वास्तु आता है, 10% आपके अपने संस्कार और आपके एनर्जी लेवल और आपकी प्रार्थनाएं, ये सब काम करती हैं आपके कर्म. जी निर्मल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी ये पूरी विद्या है, जाहिर सी बात है कि उसमें बदलाव भी आया होगा, तो किस हिसाब से अगर हम कहें कि आज की विद्या, जिस तरह से आज वास्तु शास्त्र को फॉलो किया जाता है, क्या वो पहले के समय से काफ़ी अलग है? अलग तो हुई ना, एक्चुअली इसमें रिसर्च होना चाहिए था, जो तो बहुत कम हुआ. देखिए पुराने समय में आपका प्लॉट साइज होता था हजार मीटर, क्योंकि खुले में रहते थे आप, बिल्कुल है ना, बीच में आपका भ्रमस्थान होता था और सारी जो चारों ओर कमरे होते थे, ठीक है, रोशनी पूरी होती थी, खिड़कियाँ होती थी, दरवाजे होते थे एक दूसरे को क्रॉस करते, बहुत सुंदर ढंग से वास्तु बनाते थे हम इंडियन लोग तो, और घर के एकदम बाहर 4-5 बाथरूम होते थे, ठीक है, सीपेज आती ही नहीं थी, था कोई पुराने समय, और चूने के घर बनते थे तो ठंडे होते थे. अब हम सीमेंट कंक्रीट के घर बनाते हैं, तो हमको उस पर अध्ययन करना चाहिए ना, भी फर्क आ गया. जैसे काफ़ी बार हमने देखा है कि आजकल के जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि एक एक छोटी से छोटी जगह जो है वो काम आनी चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस जिसका हम कहते हैं. तो आज के संदर्भ में अगर हम वास्तु स्थिति को अप्लाई करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि एक पूरे प्लॉट का सेंटर देखा जाता है, तो क्या ऐसे में अगर हम इंडिविजुअल घर का करना चाहें वास्तु स्थिति, क्या वो अफेक्टिव नहीं होगा? मैम नहीं होगा. वस्तु स्थिति है किस चीज़ की, पहले ये समझने की चीज़ है कि आपके घर में हवा, पानी, अग्नि और आकाश तत्व, रोशनी है ना, और पृथ्वी, ये बैलेंस उसको कहेंगे. विद्यमान है जो तत्व, उसको इस तरीके से लगाइए कि आपको हैंडी लगे. तो अगर आपने कहा कि आजकल छोटी सी जगह है तो उसको मैक्सिमम हम यूटिलाइज करें, हाँ करिए, लेकिन क्लटर इकट्ठा मत करिए, है ना, उस तरीके से करिए जैसे आजकल हम देखते हैं. अब मान लीजिए मुझे जो है, मेरा घर में एंट्रेंस ही साउथ है, है ना, और एकदम सामने नॉर्थ पड़ता है, तो मैं वहां तो वॉश बेसिन नहीं लगा सकती ना, है ना, तो फिर जहाँ सूट करता है वहाँ लगा लीजिए. ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसी दिशा में होना चाहिए, उसी दिशा में होना चाहिए, नहीं तो वो हो जाएगा. आपको जो इजी लगता है वही वस्तु स्थिति है, आपको जो हैंडी है वही वस्तु स्थिति है. आप जिसमें स्वस्थ सांस ले सकें, कंफर्ट जोन है जो आपका, वो वस्तु स्थिति है. तो एक तरह से जो भी हमारे घर का जो भी डायग्राम या जो भी प्लॉट का वो पूरा डिज़ाइन हो, उसमें बस कम्फर्ट और प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, हवादार हम जैसे कहते हैं कि बनाने चाहिए. काफी अगर हम स्पेस वगैरह, फर्नीचर वगैरह भी भर देते हैं, उससे भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है. वो तो जी, उसमें तो एनर्जी उलझेगी. आप सोचिए कि आपका छोटा सा कमरा, उसमें इतने क्रिस्टल ठूस दिए, पेड़ पौधे ठूस दिए, फिर आप कोई बेचारा ट्रे लेके आ रहा है और टक्कर मार रहे हैं, तो वो तो और बिल्कुल गलत बात है. मतलब कम से कम उस तरीके से ही इस्तेमाल करिए जितना जरूरत है. जी निर्मल, जैसा कि अभी हमारे पास कॉलर भी आए थे, संजीव जी कह रहे थे कि वो तो घर बनाने वाले हैं, लेकिन कईयों का घर पहले से बना हुआ रहता है और वो वस्तु स्थिति के लिए तोड़फोड़ भी करने में विश्वास रखते हैं कि वस्तु खराब है तो उसको तोड़ करके पूरा नया बनाएंगे. क्या तोड़ने करने से भी वस्तु में कुछ फर्क आता है? मैं तो कह रही हूँ पूरे देश को तुमने तोड़ डाला, पहले उसको सुधार लीजिए, उसकी वस्तु स्थिति सुधारिए, तब घर की सुधारेंगे ना. आप तो गलत जगह पे आप खड़े हैं, खड्डे में आप खड़े हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं ऊपर वाला माला ठीक करूंगा, कैसे करेंगे? आप तो खुद ही जमीन के नीचे हैं. आपने ले लद्दाख से लेकर के कोचीन तक पूरे सड़कों को खोद के रख दिया, ठीक है, आप मुझे बताइए कैसे जस्टिफाई करेंगे? और बिल्कुल उसे आप कहते हैं कि धरती हमारी माता है, देश की धरती जो है हमारी माँ है, आपने उसको खोद के उसमें बड़े बड़े, वो रत्न गर्भा थी आपकी धरती, उसमें बड़े बड़े पाइपें, केबलें, पता नहीं नाले और क्या क्या डाल दिए हैं, और उसको सिया भी नहीं, जैसे तो अपने पेट फाड़ के आपने आँख भी निकाल दी, लिवर भी निकाल दिया, सब निकाल दिए, और उसको फिर सिया भी नहीं, और उस पर आप अपने घर अच्छी बनाने की बात करते, पहले देश को तो ठीक बनाइए. केवल बिल्डिंगें बनाने से क्या होगा, पेड़ काट दिए जो आपके जीवनदायी थे. देखिए अगर आप कुछ अपने शरीर में अनईजी चीज़ें खाते हैं, है ना, या कोई पानी का कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है तो आपको कफ कोल्ड होता है ना, अग्नि की कोई चीज़, गैस्ट्रिक वाली चीज़ें खाते हैं तो आपको मिर्ची खाने से ज़्यादा गैस्ट्रिक हो जाती है. तो इसी तरीके से पृथ्वी पे जब बेसिक तत्वों का इम्बैलेंस होता है, अग्निमाद होता है तो भूकंप आता है, पानी का जो रिसाव ठीक साइकिल पे काम नहीं करता है तो बाढ़ आती है. तो पृथ्वी को पहले ठीक करिए भाई, फिर घर को ठीक करिए. तो घर में कोई बहुत तोड़फोड़ करने से क्या कर लेंगे आप जी. दर्शकों यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, वास्तु शास्त्र की इस चर्चा को जारी रखेंगे.